गुड मॉर्निंग. चलो ध्यान दो. अब हम लोग दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, लीड टाइम जो आप कल पूछ रहे थे ना मेरे को, और दूसरा कंजम्पशन, या फिर इसको दूसरा नाम होता है यूसेज. इसके बाद की बाकी के कॉन्सेप्ट बाद में पढ़ेंगे हम लोग. इसके ऊपर बेस्ड है बाकी का सारा मटेरियल टॉपिक. लीड टाइम मतलब एग्जैक्टली क्या? आज आपने ऑर्डर दिया तो क्या आज ही माल आ जाएगा? नहीं, माल आने को टाइम लगता है. ठीक है, आज आपने ऑर्डर किया और तीन दिन बाद अगर माल आने वाला है तो 3 days इज अ लीड टाइम. 3 days इज व्हाट? लीड टाइम. और हर दिन कितना कंज्यूम करते हो, दैट इज यूसेज या कंजम्पशन. आपको ऐसा एवरेज पता होगा कि रोज कितना लगता है, 10 यूनिट लगते हैं, रॉ मेटेरियल का कितना यूनिट लगता है. ठीक है, इसमें दो बातें होती है. एक तो कोई ये नहीं बता सकता, बहुत कम सप्लायर्स या कम बहुत कम, ये किसका काम है? लीड टाइम बताएगा कौन? सप्लायर. ऑफ कोर्स कौन बताएगा? सप्लायर. सप्लायर ही बताएगा ना. और यूसेज कौन बताएगा? प्रोडक्शन मैनेजर. कौन बताएगा? प्रोडक्शन मैनेजर. कोई बताओगा कि दिन में मेरे को कितना रॉ मटेरियल लगने वाला है? कोई भी, बहुत कम सप्लायर्स या बहुत कम प्रोडक्शन मैनेजर्स एग्जैक्ट फिगर बता सकते हैं. एग्जैक्ट फिगर मतलब क्या? कि 5 दिन ऐसे डायरेक्ट बता सकते हैं क्या? नहीं. बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है लीड टाइम. ट्रांसपोर्ट अवेलेबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबिलिटी, फिर गुड्स का अवेलेबिलिटी. जो हमारा सप्लायर, उसके पास भी तो गुड्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. तो वो एग्जैक्ट टाइम आपको नहीं बता सकता. वो 3 parts में टाइम बताता है. सेम वे में प्रोडक्शन मैनेजर भी एग्जैक्ट आपको कितना लगेगा नहीं बता सकता. वो भी 3 चीजें बताता है. कौन सी 3 चीजें? मिनिमम इतना तो लगेगा ही. लीड टाइम भी मिनिमम इतना वो बोलता है. अगर समझो यहां से लोनावला भेजना है तो 2 घंटे तो मिनिमम लगेंगे. सिटी से बाहर निकलते निकलते और हाईवे, इतना मिनिमम. मैक्सिमम इतना लगेगा. अब मैक्सिमम वो लोग कैसे निकालते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ. थियोरेटिकली तो सब दिया रहेगा. मैक्सिमम हम लोग कैसे निकालते हैं, ये मैक्सिमम वाला पार्ट हम लोग निकालते हैं, जो रिसीवर होता है वो, कि हमको अगर खुद का व्हीकल भेज के माल मंगवाना हो तो कितना टाइम लगेगा. दैट इज मैक्सिमम. दैट इज वॉट मैक्सिमम. ज़्यादा ज़्यादा तो उतना ही, क्योंकि डबल टाइम लगेगा. समझ में आ रहा है? क्यों डबल टाइम? जाना और आना. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और एवरेज मतलब सिंपली क्या करोगे, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2, क्या निकल जाएगा आपका एवरेज. सेम वे में यूसेज भी कितने होते हैं हमारे पास? 3. यूसेज भी कितने होते हैं? 3. मिनिमम, एवरेज और मैक्सिमम. मिनिमम, एवरेज और मैक्सिमम. करेक्ट. इससे हाँ एक बात याद रखना, भले थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है बट हम लोग ये मान के चलेंगे कि मैक्सिमम से ज्यादा ना लीड टाइम लग सकता है और ना मैक्सिमम से ज्यादा यूसेज लग सकता है. मतलब मैक्सिमम एक बार सप्लायर ने बोल दिया, मतलब उससे ज्यादा कभी जा सकता है क्या फिर? नहीं. हालांकि प्रैक्टिकली कुछ भी हो सकता है बट हम लोग क्या मानेंगे, उससे ज्यादा नहीं जा सकता. मैक्सिमम यूसेज उसने बता दिया प्रोडक्शन मैनेजर ने, उससे ज्यादा वो नहीं मांग सकता. मैक्सिमम बता दिया, उससे ज्यादा नहीं मांग सकता. अब हमको वेरियस लेवल्स डिसाइड करने हैं. पहला ROL, इसका कॉन्सेप्ट है रीऑर्डर लेवल. इसका नाम क्या है? रीऑर्डर लेवल. मैंने आपको बताया था 2 सवालों के जवाब. एक तो कितना ऑर्डर करना है, कल का पूरा लेक्चर वही पढ़ा हमने, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. आज कब ऑर्डर करना है? रीऑर्डर लेवल. किस लेवल पे इन्वेंट्री आ गया तो आपको ऑर्डर करना है, मतलब क्या हो गया वो रीऑर्डर लेवल. बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा मैं आपको हर एक चीज, ध्यान से देखना. इसका फॉर्मूला इतना लॉजिक से बनाया हुआ है उन्होंने. मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम. बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है. मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम. दोनों क्या लिया है आपने? मैक्सिमम लिया है. दोनों क्या लिया आपने? इसको बोलते एक्सट्रीम सिचुएशन. लेट्स से 3, 4 और 5, ये 5, 6 और 7. आपको कम से कम कितना टाइम लगेगा माल आने के लिए?
कम से कम कितना लगेगा 3 दिन, और ज्यादा से ज्यादा कितना लगेगा 5 दिन। ये डेज है और ये पर डे कंजम्पशन है। ये क्या है, कम से कम एक दिन में कितना कंज्यूम करेंगे हम लोग 5, और ज्यादा से ज्यादा कितना कंज्यूम करेंगे 7। ये तो समझ में आ गया क्या है। अब मैंने आपको क्या बोला, पहले निकाल लो, जवाब निकाल लो। मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है 7 इंटू मैक्सिमम लीड टाइम कितना है 5, तो कितना हो गया 35। क्या है 35, रीऑर्डर लेवल। मतलब क्या, 35 यूनिट्स अगर गोडाउन में है तो ऑर्डर प्लेस करना है। सर अभी 35 ही क्यों, मैक्सिमम मैक्सिमम आपके पास कॉम्बिनेशन तो बहुत सारे हैं, 3C2 6 कॉम्बिनेशन है ना, कोई भी 2 उठा सकते हो ना आप। मैक्सिमम मिनिमम, मिनिमम मैक्सिमम, एवरेज मैक्सिमम, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बट मैंने मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम ही क्यों किया, ध्यान से सुनना, इट्स वेरी लॉजिकल। दो चीजों का डर होता है, दो चीजें बचाने के लिए हम लोग इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स पढ़ते हैं। कौन सी दो चीजें, एक तो अगर ज्यादा माल मंगवा लो, जल्दी मंगवा लो तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगेगा, और अगर कम माल पड़ गया तो स्टॉक आउट हो जाएगा। मैंने आपको पहले दिन में समझाया था, फिर से एक सवाल पूछ रहा हूँ, स्टॉक आउट पहले बचाना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पहले बचानी चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमन सेंस है, सबसे पहले क्या बचाएंगे? हाँ, एक बार स्टॉक आउट आपका सेफ हो गया फिर आप किसके बारे में सोचोगे, कि पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में सोचोगे? ऐसा है तो फिर तो जस्ट इन टाइम ही यूज करो, जस्ट इन टाइम मतलब जब माल चाहिए तब मंगवाओ, वही बेटर रहेगा ना फिर तो। अगर आपको स्टॉक आउट से डर नहीं लग रहा और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही बचानी है तो हम लोग किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं? फिर अगर स्टॉक आउट सेफ हो गया तो, अब ध्यान से सुनना, अगर मैं 35 यूनिट्स मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम मान के 35 यूनिट्स निकाल रहा हूं, अब मेरा जिंदगी में कभी स्टॉक आउट नहीं हो सकता। सर जिंदगी में स्टॉक आउट नहीं हो सकता इसका मतलब क्या, ध्यान से सुनो। मैंने ऑर्डर प्लेस किया कब, जब मेरे गोडाउन में कितना माल था 35 यूनिट्स। ये तो पॉसिबिलिटीज है, कुछ भी हो सकता है ना, मिनिमम भी लग सकता है, मैक्सिमम भी लग, कुछ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। समझो कि मिनिमम लीड टाइम लगा और मिनिमम यूसेज भी हुआ, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? लीड टाइम भी क्या लगा इस ऑर्डर के लिए, मिनिमम, और इस दिनों में यूज भी क्या किया, मिनिमम। तो कितना यूज हो जाएगा, क्या 15 यूज होगा ना, और तीसरे दिन 1 2 3 तीसरे दिन माल आ जाएगा, तो यहां पे 15 माइनस होगा 20 यूनिट्स रहेंगे, तब जो भी EOQ होगा, जो भी होगा, समझो 50 यूनिट मंगवा रहे हैं, समझो कितने मंगवा रहे हम लोग, तो आगे कि नहीं आ गया, क्या स्टॉक आउट हुआ? अरे स्टॉक आउट हुआ क्या, मेरे को बताओ ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जो मैं लूंगा तो स्टॉक आउट हो जाएगा? कर लो कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो, अरे हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने लेते वक्त ही क्या ले लिया है, मैक्सिमम इंटू दोनों सबसे बड़े नंबर का मल्टीप्लिकेशन ले लिया है मैंने। अभी कोई भी नंबर का किसी भी मल्टीप्लिकेशन का इससे तो छोटा ही आएगा कि नहीं आएगा? तो माल आने तक क्या मेरा माल खत्म होने वाला है कभी? ये बात लॉजिकली समझ में आ रही है आपको? अगर सब आप मिनिमम ले लेते तो क्या हो जाता, समझो मिनिमम इंटू मिनिमम कर देता हूं, गलत क्या होता, 15 यूनिट पर ऑर्डर करते या 15 यूनिट पर ऑर्डर करते ना आप, समझो मैक्सिमम और मैक्सिमम लग जाता तो, अरे मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम लग जाता तो क्या होता, स्टॉक आउट, सॉरी मिनिमम मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम लग जाता तो स्टॉक आउट हो जाता। कितने दिन में स्टॉक आउट, तीसरे दिन स्टॉक आउट 5। आप 15 यूनिट पे आपने ऑर्डर किया ना, पहले दिन 5 लग गया, दूसरे दिन 5 लग गया, तीसरे दिन 5 15 16, अगले दिन क्या स्टॉक आउट? लॉजिक समझ रहे ना, स्टॉक आउट क्यों, आपने ऑर्डर कब किया था, 15 यूनिट से तब ऑर्डर किया था ना, अगले दिन 5 लग गए, 3 दिन तक 5 5 लग गए, क्या हो जाएगा चौथे दिन, क्या हो जाएगा स्टॉक आउट। माल तो 5वें दिन आने वाला है ना, तो चौथे दिन और 5वें दिन स्टॉक आउट, प्रोडक्शन बंद, कंपनी बंद, याद रखो सारे लेबर्स को पेमेंट तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, फैक्ट्री का रेंट तो जाएगा कि नहीं जाएगा, तो स्टॉक आउट हो गया कि नहीं हो गया? क्या मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम कर लोगे तो कभी जिंदगी में स्टॉक आउट होगा क्या? सर समझो जब 35 यूनिट्स पे ऑर्डर किया तब भी मैक्सिमम मैक्सिमम लग गया, लग जाने दो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जिस दिन माल आएगा उस दिन 0 स्टॉक हो जाएगा। उस दिन क्या हो जाएगा, कैसे 0 स्टॉक हो जाएगा, 5 5 7 बार लगेगा ना, तो भी कितना हुआ 35, और यहां पे तो अच्छा 7 7 यूनिट 5 बार लगेगा, 7 7 7 7 और 7 यहां पे 0 हो जाएगा नो डाउट, पर यहां पे तो आ जाएगा ना माल। क्या स्टॉक आउट कभी हो सकता है? अभी कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, सर 8 दिन लग गए तो मेरा, सॉरी 6 दिन लग गए तो मैंने आपको पहले बताया, हम लोग क्या मानेंगे मैक्सिमम से ज्यादा, कि अगर मैक्सिमम से ज्यादा लगने वाला तो मैक्सिमम ही 6 हो जाएगा ना, फिर वो
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैक्सिमम मतलब ही क्या, इससे ज्यादा क्या? अब आप कोई भी मल्टीप्लीकेशन कर लो, कोई भी, ऐसा भी हो सकता है नो डाउट कि लीड टाइम 3 दिन लगा बट एवरेज कंजम्पशन हो गया, तो भी 18 ही कंज्यूम होंगे ना माल आने तक, पर आपके पास कितने बचे हुए? 35 बचे हुए कि नहीं? तो जिस दिन माल आएगा उस दिन 17 यूनिट तो पड़े हुए रहेंगे कि नहीं रहेंगे? आ गई बात समझ में सर? और सेफर साइड 5 यूनिट ज्यादा रखे तो कुछ प्रॉब्लम है क्या आपको? बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप ज्यादा से ज्यादा माल क्यों रखते हो? स्टॉकआउट बचाने के लिए। एक बार आपका 35 पे आपको कंफर्म बता चल गया स्टॉकआउट क्या हो गया, 100% सेफ हो गया। अब 1 यूनिट भी ज्यादा रखना मतलब अपॉर्चुनिटी को लगाने वाली बात हो गई कि नहीं होगी? 1 यूनिट भी अगर आप ज्यादा रख रहे हो 35 से मतलब क्या? अननेसेसरी। देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो 35 क्यों लग रही है, बट वो अननेसेसरी लग रही है कि नेसेसरी है? यू हैव टू सेव योर स्टॉक आउट। बट अगर 36 यूनिट भी रख रहे हो आप मतलब क्या कर रहे हो? 1 यूनिट का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर नो रीजन। क्या आप 35 के बाद में स्टॉक आउट होने वाला है? कुछ भी कर लो स्टॉक आउट। आ गई बात समझ में? क्यों यहां पे मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम लिया, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक अरे यार ठीक है लगेगा ये वापस। सेकंड मैक्सिमम लेवल, बहुत सोच समझ के जवाब देना। किस दिन मैक्सिमम लेवल रहेगा? बिल्कुल सही सवाल है। सोमवार मंगलवार जवाब नहीं उसका। ये था क्या? 3, 4, 5 ही था क्या? किस दिन सबसे मैक्सिमम लेवल रहेगा? जिस दिन थोड़ा सा गलत हो गया, जिस दिन ऑर्डर डिलीवर होगा उस दिन, जिस दिन ऑर्डर डिलीवर होगा, मंगवाओगे उस दिन तो फोन करोगे, जिस दिन डॉलर, क्योंकि उस दिन माल आया हुआ ही रहेगा, कंजम्पशन जीरो रहेगा ना उसका, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिस दिन माल आएगा ना उस दिन आपके गोडाउन में क्या होता है? मैक्सिमम होता है। क्या होता है? मैक्सिमम। ध्यान से देखना, बहुत बहुत लॉजिकल फॉर्मूला। रीऑर्डर लेवल इतना था तब ऑर्डर किया आपने, प्लस ईओक्यू या आरओक्यू जो भी है, ईओक्यू टोटल इतना माल हो जाएगा ना, कुछ मिसिंग है इसमें। क्या मिसिंग है? कंजम्पशन मिसिंग है कि नहीं है? अरे कंज्यूम भी तो होगा। जिस दिन ऑर्डर करोगे आरओएल वाले दिन ऑर्डर करते हो ना, और माल आने तक क्या होगा? कंजम्पशन भी होगा कि नहीं होगा? माइनस हम लोग करेंगे मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम लीड टाइम। क्या करेंगे? मिनिमम कंजम्पशन इंटू, सर ये मिनिमम ही क्यों किया, फिर से कंफ्यूजन। ये दो तो लॉजिकली समझ में आ गए ना आपको? जिस दिन ऑर्डर करोगे उस दिन आरओएल आपकी गोडाउन में है तभी ऑर्डर करोगे, और ईओ क्यू आपके आ जाएगा तो दोनों तो ऐड होने वाला है कि नहीं होने वाला है? उस दौरान कंजम्पशन भी तो होगा कि नहीं होगा? सर आपने मिनिमम ही क्यों लिया? क्योंकि मेरे को लेवल मैक्सिमम करना है। लेवल क्या करना है? जितना कम माइनस करूंगा उतना लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? चलो इसका भी एग्जैक्ट लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। क्या आपने ऑडिट, आपका इत्तफाक से ऑडिट साथ में चल रहा है, नहीं तो पढ़ाने में दिक्कत होती है? क्या इंटरनल कंट्रोल नाम की चीज पढ़ी आपने? व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल? कि आप ऐसे सिस्टम्स बिठाते हो, इट्स अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। मैक्सिमम लेवल इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल मतलब ऐसी सिस्टम बिठाते हो कि एम्प्लॉय ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है अपने को सिस्टम से ही पता चल जाता है। सर सिस्टम मतलब एग्जैक्टली क्या? मैक्सिमम लेवल इज अ सिस्टम। सर क्या? ध्यान से देखो, एक लाइन जो रेफरेंस बुक्स में तक लिखी हुई है या तो फिर पढ़ाई जाती है बिल्कुल गलत, कि मैक्सिमम लेवल से ज्यादा जा ही नहीं सकता। लाइन एग्जैक्ट ये है कि मैक्सिमम लेवल से ज्यादा जाना नहीं चाहिए। सर दोनों में क्या डिफरेंस है? ध्यान से सुनना, आप स्टोर्स कीपर के ऊपर भरोसा रख के जाते हो। मैंने आपको पहले दिन बताया था कितना ऑर्डर करना है, कब ऑर्डर करना है। क्या ये आप खुद डिसाइड करके आप ही एग्जीक्यूट करते हो कि स्टोर्स कीपर को बता के चले जाते हो? ऑर्डर कब करना है और कितना करना है ये बताना आपका काम है? ऑर्डर करना या इन्वेंट्री काउंट करना आपका काम है क्या? वो किसका काम है? स्टोरी। आपको क्या लगता है स्टोर कीपर ऐसा कर सकता है कि नहीं? झंझट कौन करे यार, बार बार मंगवाने की बिल ये वो बहुत सारी झंझट होती है ना, एक बार का ज्यादा मंगवा लो, ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता? अगर वो एक बार का ज्यादा मंगवा लेगा तो आपका कैरिंग कॉस्ट तो बढ़ गया,
तो आप क्या सोचोगे कि आरओएल और ईओ की इसने फॉलो करना ही चाहिए, अगर ये फॉलो नहीं करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान होने वाला है कि नहीं होने वाला है? इतनी झंझट करके ईओ की और आरओएल आप निकाल के गए और वो क्या कर रहा है, उसको फॉलो ही नहीं कर रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान कर रहा है कि नहीं? आपको कैसे पता चलेगा वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इट्स वेरी डिफिकल्ट सर। वो तो क्या है उसमें बिल देख लेंगे। एक बात समझो, जो फ्रॉड करता है वो सब मैनेज करता है, वो 10 बिल तोड़ तोड़ के मंगवाएगा ना। अरे 1000 यूनिट अगर वो मंगाने हैं उसको 100-100 में, एक बार के 1000 मंगवा ले तो सप्लायर को क्या बोलेगा, 100-100 के 10 ही बिल देना मेरे को, समझ रहे हो? वो सब मैनेज करके। ये ऐसी चीज है जो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट को पता है, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं स्टोर्स कीपर को पता ही नहीं होती। तो आप अब देखो ध्यान से, मैं आपको 1000% गारंटी दे सकता हूं कि अगर उसने दो चीजें फॉलो की है, कौन सी दो चीजें बता के गए थे उसको आप, आरओएल और ईओ, ये दो चीजें बता के अगर उसने फॉलो की है तो इस लेवल से ऊपर जा ही नहीं सकता। इस लेवल से ऊपर कब पर, जब उसने फॉलो किया है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर उसने फॉलो नहीं किया तो इससे ज्यादा चला जाएगा। तो आप अगर सरप्राइज से किस दिन करोगे, जिस दिन माल आएगा, देखो दूसरे दिन करोगे तो फिर से कम हो जाएगा, वो तो कंजम्पशन बता देगा ना। वो तो किस दिन सरप्राइज चेक करना है आपको, जिस दिन माल आया उस दिन अगर इस लेवल से ज्यादा गया है, जो अभी मैं निकाल के बताऊंगा सारे लॉजिक समझाऊंगा, ऐसा क्यों सर? अगर उससे ज्यादा, तो आप 1000% गारंटी देके उसको क्या बोल सकते हो, तूने या तो आरओएल फॉलो नहीं किया या तो ईओ। अब ये दोनों में से क्या फॉलो नहीं किया वो चेक करना बहुत ईजी है, ये बात तो कंफर्म होगी कि उसने कुछ ना कुछ गलत किया। सर ये ऐसा कैसे होगा, ध्यान से सुन लो। अभी हमारा क्या आया था, 35 आया था ना आरओएल, ईओक्यू में अज्यूम कर ले रहा हूं 50, आरओक्यू ईओक्यू अज्यूम क्या कर ले रहा हूं 50, तो क्या होगा 35 प्लस 50 माइनस मिनिमम कंजम्पशन 3x5 ना 85 माइनस 15 कितना हो गया 70। अब ध्यान से देखना, ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई दिन नहीं निकल सकता जहां पे 70 से ज्यादा मैक्सिमम लेवल जाए, यहां पे 70 से ज्यादा में, क्योंकि आपको एक बात पता है मैक्सिमम टाइम कब रहेगा, जिस दिन ऑर्डर आता है उस दिन मैक्सिमम रहता है ना। मैं आपको गारंटी दूंगा उस दिन भी 70 से ज्यादा नहीं जा सकता, तो उसके दूसरे दिन से तो सवाल ही नहीं उठता, क्यों? पार्ट में तो कंजम्पशन स्टार्ट हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा ना। तो उस दिन ज्यादा से ज्यादा कितना जा सकता है 70, अगर उस दिन 70 से ज्यादा नहीं जा सकता, मतलब पूरे साल में कभी 70 से ज्यादा जा सकता है क्या? पीक टाइम होता है ना, वो पीक डे होता है, समझ में आया थोड़ा बहुत? सर ऐसा क्यों, ध्यान से सुनो अगेन, जब 35 थे तब आपने ऑर्डर किया, जब 35 थे तब आपने ऑर्डर किया ना, करेक्ट? समझो कि लीड टाइम कितना लग गया 4, लीड टाइम कितना लग गया 4 दिन लग गए, और यूसेज कितना हुआ? ऐसा भी जरूरी नहीं कि आप हॉरिजॉन्टल लो, ऐसा भी ले सकते हो ना, आप जो बोले वो ले सकता हूं मैं, 4 और 6 ले ले, करेक्ट? तो कितना कंज्यूम हो गया माल आने तक, कितना कंज्यूम हो गया 24, 35 माइनस 24 कितना हो गया 11, प्लस आज माल आ गया ना, माल आ गया कि नहीं आ गया, कितना ऐड हो गया 50, ये अज्यूम किया है मैंने, क्वांटिटी कितना मंगवाया हम लोगों ने 50, अज्यूम कितना हुआ, क्या 70 से ऊपर गया? एवरेज कंजम्पशन लिया 70 से ऊपर गया क्या? सर अभी आपने एवरेज लिया ना इसलिए 70 के ऊपर नहीं गया, मैक्सिमम लो, अरे मैक्सिमम लोगे तो और कम होगा वो, मैक्सिमम लोगे तो सर फिर मिनिमम लो, मिनिमम तो यहां पे लेके बैठे ना हम लोग, मिनिमम लोगे तो एग्जैक्ट कितना आएगा 70, मिनिमम से कम तो कंज्यूम भी नहीं हो सकता। देखो जितना बढ़ाओगे उतना स्टॉक लेवल तो और कम होते जाएगा ना, इट्स अ स्टॉक लेवल, समझ में आ रहा है? इट इज कंजम्पशन बढ़ेगा, स्टॉक लेवल क्या होगा, कम ही होगा ना। मैक्सिमम लेके बता देता हूं मैं आपको, समझो मैक्सिमम मैक्सिमम तो 5x7 35, तो ये कितना माइनस हो गया 35 माइनस हो गया ना, तो 0 हो गया, प्लस 50 हुआ कि नहीं हुआ, स्टॉक लेवल और क्या हो गया सर? मिनिमम लेके देखो, मिनिमम लेके देख लो 3x5 15, तो क्या होगा माइनस 15, 35 माइनस 15 20 प्लस 50 कितना हुआ 70, क्या 70 से ज्यादा जा सकता है? क्या मिनिमम का भी तो कॉम्बिनेशन ले लिया ना, समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या 70 से ज्यादा मैक्सिमम लेवल जा सकता है? एक केस में जा सकता है, मैं बताता हूं आपको कब जा सकता है। समझो 35 और 24 कंजम्पशन हुआ, एवरेज एवरेज हुआ दोनों, है ना, क्या हुआ एवरेज एवरेज, कितना बचा 11,
कितना बचा? इसने 80 यूनिट्स मंगा लिया। कितने यूनिट्स मंगा लिया? मैं उसको कितना बोल के गया था, कितना बोल के गया था उसको? यो क्यों निकाल के दिया था मैंने उसको 50, इसने 80 क्यों मंगवाया? समझ में आया आपको? इसको अपना काम कम करना है ना। एक बार की यूनिट ज्यादा मंगवा लेगा तो थोड़े दिन के लिए रिलैक्स हो जाएगा ना वो। कितना हो गया? 91। क्या 70 से प्लस चला गया? 70 से प्लस चला गया कि नहीं चला गया? समझ में आ रहा आपको? 70 से प्लस चला गया मतलब क्या? उसने या तो आर ओ एल फॉलो नहीं किया है, या तो ईओ क्यू फॉलो नहीं किया, या तो आर ओ एल फॉलो नहीं किया है, या तो ईओ क्यू फॉलो नहीं किया है। मतलब अगर 70 से ऊपर जा रहा है इस दिन, किस दिन? जिस दिन माल आ रहा है उस दिन, मतलब एक बात कंफर्म हो गई क्या? उसने या तो आर ओ एल फॉलो नहीं किया है, या तो ईओ क्यू फॉलो नहीं किया। देखो मैंने ये वाला जो कंडीशन लिया, मैंने उसको कितने करने बोले थे? 50 ना, उसने कितने ऑर्डर किए? तभी तो स्टॉक लेवल कितना गया। और एक बात याद रखना, क्या ये 70 नंबर के जाओगे नालायको? अगर ये बता दो खेल ही खत्म हो गया वहां। ये इतना कॉन्फिडेंशियल नंबर है, स्टोर कीपर को इसका कैलकुलेशन भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर स्टोर कीपर को इसका कैलकुलेशन खत्म पता चल गया तो आपका इंटरनल कंट्रोल खत्म हो गया फिर। अरे उसको पता ही नहीं है, उसको ये 70 नंबर उसको पता है क्या? नहीं, आप जाओगे अगर 71 में निकला, चलो 70 से मैंने 108 तो बहुत लंबा, 91 तो बहुत बड़ा ले लिया, 71 भी नहीं निकलना चाहिए आपको। समझ में आया 71 भी क्यों नहीं निकलना चाहिए? कितने भी कॉम्बिनेशन बना लो, क्या 70 से ऊपर जा सकता है स्टॉक लेवल? नहीं, क्योंकि आपने लेते वक्त क्या किया, सारा ऐड कर लिया और कंजम्पशन अज्यूम ही क्या कर लिया, माइनस मिनिमम मिनिमम। अब मिनिमम मिनिमम अगर कंज्यूम करो तो स्टॉक लेवल 70 है। अब कंजम्पशन बढ़ाओगे तो स्टॉक लेवल क्या होगा? कम ही होगा, 70 से तो कम ही जाना है ना उसने। लॉजिकली समझ में आ रहा है? पक्का कोई डाउट? चलो ठीक है। हाँ हाँ, अगर आप उसने सैटरडे को, तो जब आप ये लीड टाइम लेते हो ना, ये लीड टाइम और ये यूसेज लेते हो ना, तो सारे हॉलीडेज एवरेज आउट करके लेते हो। अब जब आपने एवरेज आउट कर लिया तो उसमें वो कंसिडर ही नहीं करेगा उस संडे को। समझ में आया कि नहीं? और सबसे इंपॉर्टेंट एक बात समझ लो आप लोग, कि फैक्ट्रीज जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है, करेक्ट, वो डबल शिफ्ट में काम करती है पर बंद नहीं रहती। सर हमारे यहाँ थर्सडे को छुट्टी रहती है, दैट इज अ रीजन लाइट का। पुणे इज एक्सेप्शन कि जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या रहती है, बंद रहती है। अगर आपने डबल शिफ्ट कॉन्सेप्ट सुना होगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की ये हालत होती है, उसका रीजन मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल रीजन बता रहा हूँ। उनका मेंटेनेंस इतना हाई होता है कि अगर वो एक दिन ऑफ कर देना, अगर वो लोग एक दिन ऑफ, आप समझो स्विफ्ट कार बन रही है, स्विफ्ट कार बनने के लिए जो जगह लगी है, फैक्ट्री लगी है, उसका रेंट कहाँ जाता होगा? पर डे रेंट उनका करोड़ों में जाता होगा ना। क्या वो लोग छुट्टी कर सकते हैं? और आपको और एक बात बता दूं मैं, डबल शिफ्ट में मतलब वो लोग 24 घंटे फैक्ट्री चलाते हैं। ओवरहेड कॉस्ट निकालने के लिए वो लोग क्या करते हैं, 24 घंटे शिफ्ट चलाते हैं। मैं आपको और एक बात बताता हूँ, 15 अगस्त, 26 जनवरी, दिवाली, क्रिसमस, ये दिन छुट्टी होती है, क्रिसमस के दिन छुट्टी होती है, उस दिन काम करने का डबल पेमेंट मिलता है। वो लोग क्या बोलते हैं, आप डबल पेमेंट लो छुट्टियों के दिन, बट काम करो, क्योंकि अगर आपने काम नहीं किया तो क्या होगा, हमारा जो ओवरहेड कॉस्ट है इतना हेवी है, एक दिन भी अगर प्रोडक्शन और सेल रुका हमारा तो हम लोग सीधा डाउन हो जाएंगे। आप बात समझ पा रहे हो? फॉर एग्जाम्पल फिक्स्ड ओवरहेड अगर 50 लाख है और आपका सेल 60 लाख होने वाला है, अगर आपने इस दिन छुट्टी दे दी तो पूरा 50 लाख आपके सिर पे आ गया, पूरा 50 लाख आपके सिर, तो आपने 10-10 लाख जो 5 दिन कमाए ना, उड़ गए सारे। समझ में आ रहा है? और ये जो कॉस्टिंग पढ़ रहे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का ही पढ़ रहे हैं ना, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जनरली छुट्टी, आप चाहे तो दिवाली भी देख लो, हाँ पुणे में छुट्टी होती है, रीजन लाइट ही नहीं होती है, लाइट ही नहीं है तो लेबर को बुला के खर्चा कर ही नहीं सकते ना। ये थर्सडे का छुट्टी आप ऐसा मत समझो कि हर जगह मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में थर्सडे को छुट्टी होती है, हमारे पुणे में क्यों छुट्टी होती है, थर्सडे में लाइट जाती है ना, और लाइट गई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तो आपको सेटअप वेटअप तो पढ़ा ही आपने, एक बार लाइट गई सेटअप टाइम ही इतना लग जाएगा तो वैसे लेबर खाली हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, करेक्ट। इस वजह से थर्सडे को क्या होती है हमारे यहाँ पे छुट्टी होती है। ऐसा बिल्कुल मान के मत चलना कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का रूल है थर्सडे को छुट्टी दो। चलो ठीक है, क्या मैक्सिमम लेवल समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक, नेक्स्ट मिनिमम लेवल।
पहली बात ROL माइनस, अरे फिर से रफ कर दिया मैंने, चलो ठीक है, ROL माइनस। सर इस बार यू क्यों ऐड क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? अब मतलब मिनिमम लेवल कब रहेगा? जिस दिन ऑर्डर आएगा उसके पहले दिन, उसके पहले दिन, उस दिन नहीं, उस दिन तो सबसे ज्यादा हो जाएगा ना, यू क्यू ऐड हो जाएगा उसमें, बट मिनिमम लेवल कब रहेगा? यू क्यू आने के पहले, मैक्सिमम लेवल यू क्यू आने के बाद। इसलिए यू क्यू क्या किया था मैंने, ऐड। अब पहले पहले दिन तक यू क्यू तो आया ही नहीं है ना, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। आज शाम तक मिनिमम लेवल, कल सुबह मैक्सिमम लेवल। आज शाम तक क्या रहेगा? मिनिमम लेवल, और कल क्या? मैक्सिमम लेवल। इसलिए यू क्यू ऐड नहीं कर रहा हूं मैं अब। और यहां पे जैसे यहां पे अगर मिनिमम लिया तो वहां पे क्या लेना चाहिए? मैक्सिमम। करेक्ट आपका बोलना, मैक्सिमम लेना चाहिए, बट लूंगा मैं एवरेज। अब ये कंफ्यूजन, ये आपका लॉजिक एकदम करेक्ट है कि जब मैक्सिमम लेवल निकालना था तो मैंने मिनिमम माइनस किया। मैक्सिमम लेवल निकलना चाहिए मतलब कम से कम कंजम्पशन होगा तो स्टॉक बढ़ेगा ना, वैसे स्टॉक कम, मिनिमम लेवल वाला कम करना है स्टॉक, तो ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन लेना चाहिए ना, बट वो मैथमेटिकली ऑब्जर्व हो जाएगा। सर मैथमेटिकली ऑब्जर्व क्यों हो जाएगा? यहाँ पे मैक्सिमम मैक्सिमम लोगे तो ROL का फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम मैक्सिमम, तो क्या हो जाएगा? ROL में से ROL ही माइनस हो जाएगा, जवाब क्या आ जाएगा? जीरो। और करेक्ट है, जीरो ही आंसर करेक्ट है, क्योंकि मिनिमम लेवल क्या हो सकता है? जीरो। मिनिमम लेवल जीरो ही हो सकता है ना, कम से कम कितना हो सकता है? जीरो। जीरो से कम तो होने का लॉजिक ही नहीं है, और जीरो जा भी सकता है, कैसे जा सकता है? क्योंकि आपने ROL क्या सेट किया? 35 सेट किया था ना। अगर मैक्सिमम मैक्सिमम का कॉम्बिनेशन बन गया तो जीरो चला ही जाएगा कि चला जाएगा, बट अगर मिनिमम लेवल आपको मैथमेटिकली एब्जर्ड, फिर तो हमेशा यूनिवर्सल आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया ना। अगर कॉन्सेप्ट को बढ़ाना है आगे तो आपको मैक्सिमम की जगह क्या एवरेज लेना, दिस इज जस्ट अ सेटलमेंट। मैं खुद भी मान रहा हूं इट्स नॉट अ करेक्ट फॉर्मूला। करेक्ट फॉर्मूला क्या होना चाहिए? मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम, बट आपको समझ में आ रहा है मैथमेटिकली एब्जर्ड क्यों हो जाएगा? हर बार जवाब क्या आएगा? हर बार जवाब क्या हो जाएगा आपका? जीरो। इसलिए जवाब हर बार जीरो ना हो, इसलिए हम लोगों ने सेटलमेंट करके क्या किया? एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। ठीक, फोर्थ, एवरेज लेवल द मोस्ट, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? टू। ये तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? ROL। क्यों ROL? मैक्सिमम के लिए भी ROL लगेगा, मिनिमम के लिए भी, और एवरेज के लिए मैक्सिमम मिनिमम लगेगा, तो अल्टीमेटली एवरेज के लिए भी ROL लगेगा ही ना। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? ROL। अगर EOQ का इंफॉर्मेशन दिया है तो EOQ कैलकुलेट करेंगे, और फिर सबसे पहले EOQ कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर अगर EOQ का इंफॉर्मेशन दिया तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? EOQ। EOQ लगेगा मैक्सिमम में, करेक्ट, फिर ROL, फिर क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? फिर ये तीनों कैलकुलेट होंगे ना। ठीक, अगर कभी कभी ROQ दिया होता है, ऑर्डर कितना करना हो सवाल में, तो EOQ कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? फिर नहीं, EOQ की जगह क्या यूज होगा? ROQ। मैंने आपको कल भी बताया, हर जगह जहां पे EOQ वहां पे क्या आ सकता है? ROQ। सर हमको कैसे समझेगा? सिंपल, समझने का कोई टेंशन ही नहीं है। अगर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एनुअल कंजम्पशन, ये सब चीजें दी है, मतलब किसका हिंट है ये? EOQ निकालना पड़ेगा ना, तो सवाल में क्वांटिटी दी नहीं रहेगी। अगर ये सब नहीं दिया तो सीधा क्या दी रहेगी? रीऑर्डर क्वांटिटी। फिर वो सॉल्व करोगे ना, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि EOQ यूज करना है कि ROQ यूज करना है। क्या आपको फॉर्मूले समझ में आ गए? पक्का, कोई डाउट? चलो ठीक है, सवाल लेंगे। बोलो दी क्या आपने? क्वेश्चन नंबर 25, सबसे बेसिक सवाल। टू कंपोनेंट्स ए एंड बी आर यूज्ड एज फॉलोज। नॉर्मल यूसेज मतलब ही क्या? एवरेज। नॉर्मल मतलब ही क्या? एवरेज। नॉर्मल दिया हो तो वो यूज करना है, नहीं दिया हो तो मैक्सिमम प्लस मिनिमम अपॉन टू कर लेंगे। ठीक है, मैक्सिमम यूसेज 75, मिनिमम यूसेज 25, ए और बी के सेम है। ए और बी के क्या है? सेम। हाँ, रीऑर्डर क्वांटिटी ए का कितना है? 300, और बी का कितना है? 500। रीऑर्डर पीरियड मतलब क्या है? लीड टाइम। मतलब क्या है ये? लीड टाइम। ए का कितना है? 4 to 6, फॉर मिनिमम
सिक्स मैक्सिमम, दोनों का एवरेज कर लोगे तो क्या आ जाएगा, एवरेज टू फोर मिनिमम मैक्सिमम वीक्स, रीऑर्डर लेवल ए बी दोनों का निकालना है। चलो ठीक है, आर ओ एल स्टैंडर्ड है, ये चलता है, रीऑर्डर लेवल को आर ओ एल आप एग्जाम में भी लिख सकते हो। ठीक, मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम लीड टाइम, फॉर्मूले धीरे धीरे याद होंगे, डोंट वरी। मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है, 75 इंटू मैक्सिमम लीड टाइम ए का देखना है 6, बी याद रखना ऐसे साथ में निकालना है, कल भी मैंने समझाया ना आपको, बी मैक्सिमम कितना है 75 इंटू 4 सेकेंड, निकाल लो ये काम लगेगा आगे, कितना 450 और ये 300, ठीक है। सेकेंड क्या पूछा है, मिनिमम लेवल, एक ही पड़ता है कोई भी निकालो, मिनिमम मैक्सिमम कोई भी पहले निकालो कोई भी बाद में निकालो, क्या फॉर्मूला है, मिनिमम सॉरी सॉरी आर ओ एल माइनस एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज लीड टाइम ए और बी, आर ओ एल कितना है 450 और 300 माइनस एवरेज कंजम्पशन कितना है 50 है ना, दोनों का सेम है ना, इंटू एवरेज लीड टाइम इसका कितना आएगा 5 और इसका कितना आएगा 3, क्या ये सबको समझा। थर्ड मैक्सिमम लेवल फॉर्मूला बताओ फटाफट, आर ओ एल प्लस आर ओ क्यू आएगा ना इस बार, क्यों आर ओ क्यू, एग्जाम्पल में क्वांटिटी गिवन है, एग्जाम्पल की क्वांटिटी आर ओ क्यू होती है और हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं वो क्या होती है ई ओ क्यू, ठीक है, माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम लीड टाइम ए बी, आर ओ एल कितना है 450 और 300 प्लस आर ओ क्यू कितना दिया है उन्होंने 300 500 माइनस मिनिमम कंजम्पशन कितना है 25, दोनों का सेम है ना ये, तो इंटू मिनिमम लीड टाइम कितना कितना है 4 और 2, बोलो कितना कितना आ रहा है सब, ये 200 आएगा, ये 150 आएगा, ये 650 और ये कितना 750, फोर्थ एवरेज लेवल, एवरेज लेवल का फॉर्मूला क्या है, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2, लेवल है ना, मतलब मिनिमम मैक्सिमम तो बहुत सारी चीजें है, ए का क्या आएगा मिनिमम 200 प्लस मैक्सिमम 650 डिवाइडेड बाय 2, बी मिनिमम 150 प्लस मैक्सिमम 750 डिवाइडेड बाय कितना 2, बोलो कितना कितना आ रहा है 425 और ये क्या समझ में आ गया आप लोगों के, कोई डाउट, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 उसमें एक डेंजर लेवल पूछा है, उसके लिए एक लाइन छोड़ देना, क्वेश्चन नंबर 26 में फ्रॉम द डिटेल्स गिवन बिलो कैलकुलेट रीऑर्डरिंग लेवल मैक्सिमम लेवल मिनिमम लेवल और डेंजर लेवल, डेंजर लेवल बहुत इजी है बट बाद में समझा दूंगा मैं। रीऑर्डर क्वांटिटीज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग परचेस ऑर्डर इज रुपीज 20, ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया है ना, मतलब क्या आर ओ क्यू की ई ओ क्यू, इस सवाल में आपको ई ओ क्यू पहले निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी परचेस्ड ड्यूरिंग द ईयर 5000, क्या ये एनुअल कंजम्पशन, परचेस प्राइस पर यूनिट इंक्लूसिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज रुपीज 50, परचेस प्राइस भी दिया है, एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज पर यूनिट मतलब क्या है कैरिंग कॉस्ट 5, क्या परचेस प्राइस काम लगेगी कि नहीं लगेगी, नहीं क्यों नहीं, कैरिंग कॉस्ट एब्सोल्यूट नंबर में दिया है ना, अगर परसेंटेज में गिवन तो लगता, ठीक, क्या ईओ क्यू निकाल लोगे आराम से, ठीक। डिटेल्स ऑफ लीड टाइम, एवरेज कितना है 10 डेज, मैक्सिमम कितना है 15 डेज, मिनिमम कितना है 6 डेज, फॉर इमरजेंसी परचेसेस 4 डेज, ये किस काम लगता है आपको, डेंजर लेवल के लिए, किसके लिए काम लगता है उसको भी छोड़ दो फिलहाल। रेट ऑफ कंजम्पशन ध्यान से रखना, एवरेज दिया है 15 और मैक्सिमम दिया है 20, क्या इसकी मदद से मिनिमम निकल जाएगा, मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2 होता है ना, क्या सारी इंफॉर्मेशन है आपके पास, निकाल लोगे ना, सिर्फ डेंजर लेवल में निकाल के दूंगा, बाकी सब आपको निकालना है, ठीक है, लिख लो और ये 26 सॉल्व करो।
ठीक है, डेंजर लेवल बहुत इजी फॉर्मूला है, बस ये याद रखना है, डेंजर लेवल, लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेजेस, ये भी क्लियर कर दिया रहता है ना आपका एग्जाम दिया ही ना यहां पे, इनटू एवरेज कंजम्पशन, इनटू व्हाट, एवरेज कंजम्पशन, ये बिल्कुल फालतू कॉन्सेप्ट है, कितना है लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेजेस, 4 इनटू एवरेज कंजम्पशन कितना है 15, तो कितना हो गया जवाब 60, जवाब कितना हो गया 60, लिख लो। चलो हो गया, क्वेश्चन नंबर 29 एक्चुअल होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 28 ट्राई करके लाना, एक गलती करोगे उसमें कंफर्म एकदम, सिर्फ ईओक्यू निकालना है, क्योंकि ईओक्यू गलत करोगे तो मैक्सिमम लेवल भी गलत करोगे, ईओक्यू गलत करने वाला है वो कंफर्म, तो मैक्सिमम लेवल भी क्या करोगे उसकी वजह से गलत करोगे, उससे बेटर आप सिर्फ क्या निकाल के लाना है कल ईओक्यू, फिर मैं ईओक्यू एक्चुअल में कैसे निकालना है उसके बाद में फिर पूरा होमवर्क चला जाएगा, पर आज की डेट में आपको क्या करना है ईओक्यू निकाल के लाना है, 29 आना चाहिए पूरा का पूरा, वो होमवर्क है एज इट इज। अब 30 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 30, रीऑर्डर क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एक्सेस 5000 kg, जितना डेटा दिया है उस पर से मिसिंग फिगर निकालनी है, और आप मेरे को बताना कि कौन सा फॉर्मूला अप्रोप्रिएट है यूज करना, आर ओ क्यू कितना दिया है 5000, मैक्सिमम लेवल कितना दिया है 8000, मिनिमम यूसेज कितना दिया है 50, पर आर, अंडरलाइन करो पर आर, और मिनिमम रीऑर्डर पॉइंट कितना दिया, मिनिमम लीड टाइम कितना दिया, कितना दिया है 4 days, सोच समझ के बताओ क्या ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है, इम्पॉसिबल, 50 इज अ पर आर एंड 4 days, क्या आर्स और डेज मल्टीप्लाई हो सकता है, नहीं, इसको भी मेरे को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, पर डे में ना, उसके लिए मेरे को क्या पता करना पड़ेगा कि एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, ठीक, फैक्ट्री 8 hours, तो इनटू क्या करूंगा पहले मैं 8, तो क्या होगा ये 40 पर डे हो गया ना, एक घंटे में कितना कंजम्पशन होता है 50 यूनिट, एक दिन सॉरी 400 पर डे, एक घंटे में कितना कंजम्पशन होता है 50, एक घंटे में कितना कंजम्पशन होता है 50, और कितने डेज, एक घंटे में कितने आवर्स काम करते हो 8, तो एक दिन में कितना कंजम्पशन करोगे 400 यूनिट्स, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट आर ओ एल, आर ओ एल का एक फॉर्मूला तो आपको जो रेगुलर पता है वो क्या है, मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम यूसेज इंटू मैक्सिमम लीड टाइम, क्या है मैक्सिमम यूसेज इंटू मैक्सिमम लीड टाइम, क्या यहाँ पे कोई स्कोप दिख रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला से निकल सकता है मैक्सिमम लेवल, किस फॉर्मूले से निकलेगा मैक्सिमम लेवल का, पूरा तो डेटा दिया ना उन्होंने, आर ओ एल मिसिंग है, क्या फॉर्मूला है मैक्सिमम लेवल का, बोलो फटाफट, आर ओ एल प्लस आर ओ क्यू माइनस मिनिमम यूसेज इंटू मिनिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम लेवल कितना दिया है 8000, आर ओ एल निकालना है, आर ओ क्यू 5000 माइनस मिनिमम 400 इंटू 4, तो आर ओ एल प्लस 5000 माइनस 1600 8000, तो 8000 इज इक्वल्स टू आर ओ एल कितना आ गया 3400, तो आर ओ एल कितना हो गया बोलो फटाफट 4600, आर ओ एल कितना हो गया आपका
4600 लिख लो। अभी हमारा इस कॉन्सेप्ट का इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन नंबर 27 बाकी है ना, वो सबसे ज्यादा जान पे आती है स्टोर्स लेजर पढ़ाने की, फीफो लिफो। चलो ठीक है, मोस्टली कल ये टॉपिक खत्म होना बहुत डिफिकल्ट है और भगाएंगे नहीं हम, कोई फर्क नहीं पड़ता, दो दिन लेट बैच खत्म हो तो हम लोग अभी कल तो लेंगे जितना होगा उतना, और एक लेक्चर लगेगा हमको। ठीक है, आपका नेक्स्ट लेक्चर कब है? कल के बाद 23, कल के बाद कब है सीधा 23।